कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ रहे अनुबंध पर लगे हुए चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे को बंद किए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। संघ का आरोप है कि डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्क संगत नहीं है और इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। हमीरपुर में संघ के महासचिव ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार यदि अपना फैसला वापिस नहीं लेती है तो पहले पूरे प्रदेश के डॉक्टर काले बिल्ले 9 अगस्त तक लगाएंगे, फिर एक सप्ताह तक 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल, यदि सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रदेश में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे नहीं दिए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया है। संघ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग को बार बार विसंगति के बारे में अवगत करवाया गया मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए समय मांगा गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो जिसके कारण उन्हें आंदोलन का फैसला लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे कई जिलों में दिया जा रहा है और कई जगह नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति नहीं जारी की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस वेतन विसंगति को दूर करें। है हमारा वो ये है कि हमारे जो अनुबंधित मेडिकल ऑफिसर्स लगे हैं, जो नए लगे हुए हैं, उनको जो है वो जो ग्रेड पे जो सबको मिलती है एक 150%, जो सारे अनुबंधित कर्मचारियों को, प्रदेश सरकार के अनुबंधित कर्मचारियों को मिलती है, वो हमारे डॉक्टरों की जो है वो काटी जा रही है। देखिए, इस पैंडेमिक में ये जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे डटे हुए हैं, तो हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस समय, इस पैंडेमिक के समय, इन कोरोना वॉरियर्स का ग्रेड पे काटना क्या तर्क संगत है, जो कि सारे के सारे अनुबंधित कर्मचारियों को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार में, तो इनका ही क्यों काटा जा रहा है। और देखने में ये आया है कि कुछ जिलों में काटा गया आज और कुछ में नहीं काटा गया, तो ये भी सरकार से सवाल है कि क्या वो ज़िले हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं आते हैं, या सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट क्यों दिशा निर्देश इसमें अभी तक जारी नहीं किया गया है। क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से कोशिश कर रहे हैं, सरकार को अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से हमने रिप्रेजेंटेशन दी है इन बच्चों की कि इनको ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है, तो उल्टा उसके जवाब में जो जवाब आया है वो ये आया है कि आप 2011 और 2013 की नोटिफिकेशन देखिए। वो नोटिफिकेशन तब होती थी जब चिकित्सा अधिकारी आरकेएस में लगते थे और उनमें भी कहीं भी ग्रेड पे का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ग्रेड पे तो 2016 से पिछली प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी अनुबंध कर्मचारियों को ये जो देना शुरू करा था, उसकी अधिसूचना 2016 में हुई थी, क्योंकि इनको डीए और ये सब नहीं मिलता था, तो 50% से शुरू हुई थी ये जो ग्रेड पे की अधिसूचना हुई थी। ये बढ़ते बढ़ते आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने इसको पीछे 150% कर दिया ग्रेड पे का, जो सभी अनुबंधित कर्मचारियों को मिल रही है, हमारे डॉक्टरों को भी मिल रही थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगी, जिनको मिली है उनकी रिकवरी की जाएगी। आप मेरे को बताइए, इस पैंडेमिक में जो सबसे आगे खड़े हैं, सबसे आगे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका वेतन 22% वेतन उनका काटना, क्या ये तर्क संगत है? तो ये हमारी सरकार से यही मांग थी। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार यदि अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पहले पूरे प्रदेश के डॉक्टर काले बिल्ले 9 अगस्त तक लगाएंगे, फिर एक सप्ताह तक 2 घंटे पैन डाउन हड़ताल, यदि सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हमने सरकार को इसको ईमेल के माध्यम से, माननीय मुख्य स्वास्थ्य सचिव को 22 को हमने ईमेल करी, 25 को हमने ईमेल करी, लेकिन हमें ना आज तक मिलने का समय दिया गया। हमें पता है कि पैंडेमिक में वास्तविक जो मीटिंग है वो मुश्किल है, तो हमने उनसे गुजारिश करी थी कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे से मीटिंग करना चाहते हैं या किसी ऐप के जरिए मीटिंग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो भी उत्तर और जो रवैया है वो ढुलमुल है और हमारे डॉक्टरों के प्रति सरकार का ये दोयम दर्जे का व्यवहार जो है बिल्कुल भी जो है सहन नहीं होगा। हमने आज ही
से ये शुरू कर दिया है काले बिल्ले। कल हम पूरे प्रदेश के डॉक्टर जो है काले बिल्ले लगाना शुरू कर रहे हैं, और आज से शुरू है ये, और 9 तारीख तक हम काले बिल्ले लगाएंगे। 9 से 16 तक फिर हम 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, और अगर उसमें भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है और ये चीज़ जो सब अनुबंध कर्मचारियों को दी जा रही है, अगर हमारे अनुबंधित मेडिकल अफसर्स को नहीं दी जाएगी, तो हम पूर्ण बंद करेंगे, और इसकी जिम्मेवारी पूर्णतया सरकार की होगी।